दिखने में अच्छा है बट फिर भी ये वाला अंधो क्या यार भैया बेइज्जती करवा रहे हो। फाइनल तो वही है फिर ना, तो भाई ये वाला शूज पसंद आ रहा है, बाकी जो है ना एडवेंचर है। और भाई क्या हाल है अभी के, फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। ठीक है भाई, आप लोग सोच रहे हो ना हर रोज वीडियो डालने लगे भाई तू तो। हाँ यार सोचे थोड़ा, मैं क्या जब बाइक वाइक ली है तो कैमरा वैमरा है तो भाई रोज के रोज वीडियो बना के डालो ना, जब हम घूमने घूमने जा रहे गेड़ा वेड़ा लगा रहे। तो आपने पिछली वीडियो देखी है, हुआ क्या था आज जो है सुबह सुबह ही जो है ना मेरे पास फ़ोन आ गया आंटी का। तो नहीं मैंने बताया हुआ था एडवांस दे रखा मैंने, तो उसी एडवांस का आंटी ने फ़ोन कर दिया। आंटी कहती बेटा आ गए तेरे शूज़, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं शूज़ ले आते भाई। और शूज़ के साथ साथ पहले लाल पहले हरी अब आ गए हम लोग रोड पे। ठीक है ओ भाई 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 A6 है, A8 है ये A6, इसमें भी इनलाइन फोर होता है ना, इनलाइन फोर होता है ना भाई, 900 का इंजन लगा हुआ है इसमें। यार आज तो गाड़ियाँ दिखाई जा रही है, इस गाड़ी का नाम से एक तो नाम तो चल करनी हो, इसकी लाइटें बड़ी अच्छी लगती है। भाई और बहनों ध्यान दीजिए इस रोड पे, ये रोड खूनी रोड है, नहीं मतलब खूनी रोड नहीं है, मतलब ध्यान से नहीं चलाओगे ना बाइक गिर जाएगी। ओ भाई 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 इस रोड पे बाइक के टायर असल में रेडियल होते हैं ना ऐसे गोल से, तो इसमें ग्रिप नहीं बनती बिल्कुल भी, और बनती हुई है तो मानो लगभग 10-15% ग्रिप बनेगी आपकी। तो इस पर बिल्कुल ध्यान से चलाना और ब्रेक बिल्कुल मत मारना, खास करके आगे वाली अगर बजरी पे ब्रेक मार दी ना और बेटा रगड़ गए सीधा गिरते हुए जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा फिर तुम्हें। कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं। ब्लैक व्हाइट कलर का भी आता है, पूरा फिट तो करके देख लो, फिट है। अच्छा फिर मैंने ये थोड़ा सा फ्री सा है, देख इसमें अब आगे से ना इतना हिस्सा थोड़ा सा है, या तो ये थोड़ा ओवर साइज में तो नहीं ले लिया मैंने, नहीं मेरे को ये सही लग रहा है, वैसे सही लग रहा है ना, बाकी टाइम पे डिपेंड करता है, दूसरा ले लेंगे। तो भाई जूते ले आए, ठीक है ये देखो ये रहे जूते, तीन दिन की मेहनत के बाद आए, मैं तो मेरी मेहनत नहीं थी आंटी की लोगों की मेहनत थी और मिल गए जूते। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, बाइक पे आ जाता हूँ और मिल लेते हैं। ये देख लो भाई देख लो, BBG ये रहा भाई, ठीक है ना दिख गए बस। तो अब बाइकिंग ब्रदरहुड के जूते लिए और घर चल के फिर इसकी पूरी अच्छे से अनबॉक्सिंग करके और एक दिखाता हूँ, वो छोटी सी वीडियो होगी, मतलब 1.5 मिनट और मेरे साथ टिक जाओ, ज़्यादा नहीं बहस करूँगा, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। हाँ जी तो भाई बालों पे मत जाना, नहा धो के उसके बाद ना एडिटिंग करने बैठ गया था और अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो हुआ क्या था, मैं लाने के बाद बारिश बारिश हो गई थी, उसके बाद मैं ना सो गया, फिर उसके बाद वीडियो ही नहीं बनाई, फिर अब जो है अनबॉक्स करूँगा। तो भाई ये हमारा है बाइकिंग ब्रदरहुड का अपना शू का बॉक्स, ठीक है तो इस तरफ से कुछ ऐसा दिखता है, और अगर यहाँ देखें तो भाई यहाँ पे जो है इसके साइजेस वाइज दे रखे हैं, ये इसका नाम वाम हो गया, MRP लिखते नहीं है, हालाँकि MRP का स्टिकर उस तरफ है, ठीक है तो अगर हम घुमा के देखें, हाँ ये देखा तो ये अपना MRP का स्टिकर हो गया, और कहाँ से मतलब कस्टमर केयर डिटेल और ये सब लिखा हुआ अपने मतलब का नहीं है। और 45 नंबर ये शूज़ है, यानी कि अगर इंडियन ने उस पर देखा जाए ना तो 10 नंबर का जूता है ये। फ्रंट से अगर देखोगे तो ये देखो फ्रंट से यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ बाइकिंग ब्रदरहुड गियर्स, तो यानी कि BBG करके, और इसके ऊपर मैंने जो है एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, चैनल पे जाके देखना शॉर्ट्स भी मिलेगा आपको, ठीक है वो छोटा सा शॉर्ट्स है वो कल रात को बनाया था। तो बाकी रेसिंग टूरिंग तो दोनों के लिए शूज़ ऊपर इस्तेमाल हो सकते हैं, और यहाँ पे देखो तो भाई राइडिंग परफॉर्मेंस और ये सब लिखा हुआ है। खोल के दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था जब नहीं ले रहा था उस टाइम, तो भाई हमने इसको कर लिया उल्टा, ठीक है खोल भाई खुल जा हाँ ये गया खोल, और ये रहे अपने शूज़, ठीक है तो अब इनको अगर मैं खोल के दिखाता हूँ, ओलेसन ओलेसन निकालो भाई, देखो एक हाथ में कैमरा होता है ना तो ये सब थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ भाई अब आ रहा, ये हमने निकाली पट्टा निकल यार हाथों की, ठीक है। तो भाई देखो अब अगर हम शूज़ के बारे में बात करें तो भाई शूज़ जो है काफ़ी अच्छा, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। और अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको ये मैश जैसा दे रखा है ना, तो ये डिज़ाइन कार्बन फाइबर लुक जैसा है नहीं, तो ये इसलिए होता ताकि भाई आपकी जो बेंडिंग होती है ना शूज़ की, उसके लिए जो है ये एक लेदराइट ऐसे करके लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अपना BBG की ब्रांडिंग हो गई, ठीक है। और पीछे की तरफ से कुछ ऐसा होता है ताकि जो आपकी एड़ी वेड़ी होती है वो जो है मुड़े ना, और लगभग ऊपर तक होता है तो ये बिल्कुल मतलब पैर को पूरा पकड़ के रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्लाइडर्स मिल जाते हैं आपको, ये आपको गियर शिफ्टिंग का प्रोटेक्टर टाइप का
का मिल जाता है, प्लास्टिक का होता है ये, ताकि जो है ना आपके शूज़ को कोई ख़राबी ना हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको एक और बीबीजी की ब्रांडिंग हो गई, और ये आपको यहाँ पे वेलक्रो पूरा मिलता है, ठीक है। ये वेलक्रो हो गया पूरा, और यहाँ पे जो है आपको ये देखो, यहाँ पे आपको ये चेन दिख जाती है, ताकि चेन से आप खोला और आप अपना पैर वैर अंदर डाल लो, ठीक है। तो भाई अब अगर हम बात करते हैं कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, तो मैं एक साफ बात बोल देता हूँ कि भाई देखो, यहाँ यहाँ तक तो ये जो है, अगर इनके हिसाब का जूता पूरा डूब जाता है, इतना इतना पानी में होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से अंदर पानी घुस के और फिर पूरा शू गीला हो सकता है, ठीक है। तो ये तो वाटरप्रूफ नहीं होता, ये वाटर रेजिस्टेंट बोलते हैं। वाटरप्रूफ तो पूरा भाई पूरी टांग ले लो ना फिर आप, ठीक है। वीडियो एडिट करके अब बस डालने की देर है, ठीक है। और पूरी वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपको वीडियो और शूज़ पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर से जाना, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा देना यार, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, एक दो तो भी वो लगता है, मैं बार बार स्क्रॉल करके देखता यार, एक बढ़ गया, अच्छा ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वो जो लाल कलर का बटन है उसको ग्रे करके जाना जरूर से, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लेना, ऑल पे करना, पर्सनलाइज मत करना, ऑल कर लेना ऑल, ठीक है। ऑल कर लोगे तो उसमें ये जितनी मेरी नोटिफिकेशन आएगी सारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो बस फिर।